के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। लोग साढ़े नाल मौजूद ने, हर वर्ग के मौजूद ने, लोग गलबात करते हैं कि बजट तो उम्मीदा ने की कहना चाहोगे? बजट तो जो भी बजट आ रहे हैं नवे महंगाइया वध ही रही ने जी, और कुछ कारण है जिससे मैं कुछ एक चीज़ के उत्ते स्टडी की कुछ दिनों तो जेडे सिलेंडर के ब्लैक मार्केटिंग हो रही है पंजाब से हरेक शहर के इंडस्ट्री ढाबे जेडे के कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करने चाहिए वह 14 किलो यूज़ कर रहे हैं उन्होंने उत्ते 5% टैक्स लगता है ता करके वह सस्ता है वो अपने 100-200 रुपये बचाने के लिए 14 किलो यूज़ कर लेंगे है बट 19 किलो के उत्ते 18% टैक्स लगता या उस तो उपर बड़े सिलेंडर के कमर्शियल 18% टैक्स है जोड़ा कि इंडस्ट्री में रिवर्स होंगे टैक्स और 13% टैक्स की चोरी हो जाती जिदा ढाबे वाले 14 किलो ले लेंगे जी और 13% जो टैक्स की चोरी है वो एक स्टेट के एक दिन के काफ़ी करोड़ों रुपए की चोरी हो रही है जी जे फूड सप्लाई महकमा इन्हों वीकली रेड करे तो वह चोरी बचा सकते हैं उही टैक्स गवर्नमेंट को ले चले जाएगा गवर्नमेंट आम जनता के लिए कुछ ना कुछ हैल्प करेगी कुछ ना कुछ चीज़ा सस्तियाँ होनगियाँ। सो साडे नाल औरतां भी नहीं मौजूद गलबात करदे क्योंकि घर के भी जिवें सिलेंडर की काफ़ी जी पिछले दिन तो काफ़ी रेट वधदे जा रहे हैं किन्ना कुछ उम्मीदा ने? सानूं तो यही उम्मीद है कि जिहड़ा बजट है वह ग्रहणी नूं देख के भी देख बेस ग्रहणी ने ही घर चलाना हुंदा सारा मतलब मेन गल है भी बजट विच इह देखिया जावे कि कीमतां ना वधियां जाण ते अगे तो वैसे ये भी देखा जाए पेट्रोल की जड़ी कीमत ने वह भी दिन ब दिन वधदियां जा रही ने ते देखो जेड़ा भी काम कार है वह आदमी सवेर तो लैके शाम तक असी जिमें एक्टिवा होगी जा कुछ भी बच्चे स्टूडेंट लैके देख लो सारा कारो बार ही आप कहते हैं कि पेट्रोल तो चलता है तो पेट्रोल जड़ा है 92 रुपये मेरे अकॉर्डिंगली हो गया हूँ तो डीजल दी कीमतां भी वध रही ने तो सरकार नूं चाहीदा है कि देखा जाए भी इन्नी महंगाई ना वधाए। सो किस तरह देखते हो क्योंकि किसान अंदोलन भी चल रहा लगातार किसानों की मौतें हो जाए ने कर्जे माफ़ी के भी जी सरकार दावे करती कि लगता है कि कर्जा माफ़ी होगी अगर सरकार दे मेरे ख्याल दावे जोड़े सारे खोखली ने किसानों का जोड़ा कर्जा माफ़ के वादे करे थे सरकार ने किसी का कर्जा माफ़ नहीं होया है लोगों ने बहुत उम्मीदा ने किसानों उम्मीदा ने भी कर्जे माफ़ करी जान जिहड़ियां इन्नियां ज़्यादा मौतां हो रही ने पर सरकार है जिहड़ी वह जाग नहीं रही उन्हों कर्जे ने जिहड़े किसानों के माफ़ करने चाहिए ने ता कि किसान जिहड़े सुखी होण ते अपने परिवारों नूं अच्छी तरीके नाल पालन महंगाई ने पहले ही किसानों की कमर तोड़ी पई है इन्नी ज़्यादा महंगाई वध चुकी है डीजल के रेट पेट्रोल के रेट गैस के रेट आसमानी छू रहे ने हर एक इंसान जिहड़ा बहुत अज इस सरकारां तो दुखी होया पिया इहदे जिहड़े रेट हैं पेट्रोल डीजल के जिहड़े घट करने चाहिए ने जिहड़े GST है उहदे अंदर इहनूं लैणा चाहिए तां कि लोगों को राहत मिल सके। कितने ये भी गल देखने को मिल रही क्योंकि पंजाब दे विच नवें हस्पताल बन रहे ने जच्चा बच्चा वार्ड तुसीं देखिया होणा राजपुरा विच भी बनया और कितने ना कितने सहूलतां इस विच भी तुसीं देखदे हो क्योंकि डॉक्टरों की कमी भी कितने ना कितने देखने को मिलती है भी भर्ती भी करनी चाहिए बिल्कुल हस्पताल नवें नींह पत्थर रखी जाने जां हस्पताल नवें बनाई जाने बड़ा सौखा काम है तो हस्पताल खाली पे ने स्टाफ की कमी आ डॉक्टर की कमी आ लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं असी इत्थे भी देखते हैं राजपुरे च भी जच्चा बच्चा जिहड़ा हस्पताल दे विच वार्ड है वह भी खाली पे है तो बाकी भी जिहड़े डॉक्टर की बहुत घाट है लोगों को बहुत ही मुश्किल पैदा हो रही है सरकार को इस वल ध्यान देना चाहिए। तुसी किस तरह दे दोगे कि एजुकेशन को लैके किस तरह की तुहानू लगता है कि किस तरह की उम्मीदा ने एजुकेशन लैके बच्चे जिहड़े अज्ज दी पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करके विदेशों में चले जाते हैं तो कितने ना कि इस गल को लैके भी कितनी उम्मीदा ने बजट असीं फिर भी उम्मीद रखते हैं जे पंजाब सरकार जिहड़ा बजट आ उह वधिया लियावे तो एजुकेशन दे लई वधिया बजट जिहड़ा रखे जाण पैसे रखे जाण तां जो जिहड़ी सिक्ख्या होर सस्ती कीती जा सके जिवें सानूं आम प्राइवेट स्कूलों नूं भी प्रॉब्लम आ रही आ भी जिदा सेंटर सरकार ने सर्व सिक्ख्या अभियान के अधीन जी बच्चों की गिणती मंगते हैं पंजाब सरकार जी गिणती पूरे पंजाब प्राइवेट स्कूलों की समेत गिणती दिंदी है उत्थों पैसा आता मिड डे स्कूल चलते हैं राशन दोपहर का बच्चों भोजन मिलता वो सिर्फ पंजाब सरकार जी सरकारी स्कूलों दिंदी है प्राइवेट नहीं दिंदी जो भी गिणती प्राइवेट स्कूलों की वो जोड़ी जाती है असं मंग करते हैं कि मिड डे जो पैसे बच्चों की गिणती सेंटर भेजता वो प्राइवेट स्कूलों में भी दिता जाए।